गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से हमें रिस्पांस दे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पजल के क्वेश्चंस को करेंगे। जल्दी से हमें स्टार्ट करें, जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से सेशन पे आ जाओ, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई सेशन पे, हम सेशन को स्टार्ट करें। आज जो हम पजल के क्वेश्चन के छोटे छोटे जो क्वेश्चन करेंगे, ये प्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ये आपके प्री लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूं। कुछ लोग रिसेंटली ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ध्यान दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल को, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन वो उन मिलेंगे और उनका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है भाई? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि भाई मैथ्स की क्लास जो होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैथ्स की क्लास होगी आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे 22 सलमान सर, ठीक है, 6 PM पे। पुष्कर सर की क्लासेस होंगी जीएस की, जिसमें वो कवर अप क्या करेंगे, किस किस एग्ज़ाम को कवर अप करेंगे, एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल एंड सीपीयू के सिलेबस को कवर अप करेंगे। उनकी क्लास होगी 2:30। अभिजीत वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से अपने ग्रुप पे शेयर कर लो कि सेशन पे आ जाए, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? मैथ्स की क्लास होगी भाई प्रतीक सर 1 PM पे, वो भी एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल और सीपीयू सारे एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 times एसएससी क्रैक कर चुके हैं और ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर रह चुके हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की क्लास लेंगे आपके वैभव सर, जो कि टाइमिंग होगी 8:30 AM मॉर्निंग में और 9:30 PM, ठीक है? 8:30 में आपके करंट अफेयर्स के क्लासेस होंगे और यहाँ पे 9 PM पे जनरल अवेयरनेस के क्लासेस होंगे। रीजनिंग की क्लास किया जाए तो डेली 12 PM पे बैंकिंग की क्लास होगी और 5 PM पे एसएससी की क्लास होगी, एनटीपीसी, यानी इन सारे सब्जेक्ट को हम सीपीयू, CHSL, ठीक है, इन सारे एग्जामिनेशन को हम कवर कर दिया, ओके। मैक्सिमम लोग लेट आते हैं अभिजीत, चलो कोई बात नहीं, सब लोग आ जाते हैं जल्द। इंग्लिश की क्लासेस होंगी बाय आलोक सर 11:30, 1:45 and 4 PM पे, जिनको 15 से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 15 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई? चलिए हम अगले सेशन पे जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्री लेवल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से सब लोग आ जाओ भाई, हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, कि आपसे कहा गया 6 persons नेमली अतुल। जल्दी से अभिजीत इसका स्क्रीन शॉट ले लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है? और इस एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को रीड कर लो, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को रीड कर लो। ले लिया, चलो एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आराम से रीड कर लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे आपसे क्या क्या 6 persons नेमली अतुल, अर्जुन, अरविंद, अमन, अर्पित, आशीष लीज इन विकास नगर कॉलोनी, ठीक है भाई? एंड दे रीड 1 newspaper इच आउट द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, सेकेंड हार्ड एंड इंडियन एक्सप्रेस। नॉट नेसेसरी, सेम ऑर्डर पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इच पर्सन रीड एग्जैक्टली 1 newspaper एंड
2 no 2 person read same newspaper, ठीक है, हर बंदा एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई भी 2 person सेम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे. ये द एज ऑफ दीज पर्सन आर 20, 25, 30, 35, 40, 45. इनके एज गिवन है 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, अगेन नॉट नेसेसरी. अब यहाँ पे हमारे सामने कंडीशंस गिवन है, इस कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई. चलिए तो हम पहले क्या करें भाई, नेम को लिख लें या चीज़ें कंसिडर करते हैं. चलो पहले कंडीशंस को हम देखते हैं, ठीक है. बहुत सारे डाटा, हाँ बहुत सारे डाटा हैं, कोई बात नहीं. अर्जुन इज नॉट एल्डेस्ट, ठीक है भाई. अर्जुन जो है एल्डेस्ट नहीं है, मतलब 45 का होगा नहीं भाई. एंड ये क्या पढ़ता है, हिंदू. हम पहले सारे कंडीशंस को लिख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को. अर्पित, एज इज मोर देन 30, तो 30 से ऊपर कहा गया तो 35 आ सकता है, 40 आ सकता है या 45 आ सकता है, हम कंफर्म नहीं है. और ही रीड निदर हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ता और इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं पढ़ता है. अमन के बारे में कहा गया, अमन जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं पढ़ता, ठीक है भाई. आशीष इज नॉट यंगेस्ट, अब आशीष के बारे में कहा गया ये यंगेस्ट नहीं है, तो 20 तो होगा नहीं भाई, ठीक है. और अरविंद के बारे में कहा गया, अब ये चीज़ें कंफर्म है कि अरविंद 35 होगा, अगर ये 35 होगा तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हट गया, ये 40-45 होगा, ओके. और डेकन हार्ड, ये चीज़ें फिक्स्ड है. नेक्स्ट क्या है, द टोटल एज ऑफ अर्पित, अर्पिल, अर्पिल है, अर्पित है यहाँ पे, ठीक है, अर्पित एंड अरविंद इक्वल टू अतुल प्लस अमन, तो ये तो 35 है ही, अरविंद का मेंशन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो चीजें चेक करना होगा. अगर हम यहां पे 40 रख लें तो 75 हो गया, और यहां कैसे 75 आ सकता है, हम 75 कैसे ला सकते हैं, 30 प्लस 45, ये भी तो हो सकता है 30 प्लस 45, ये चीजें क्लियर हैं, चारा चेक कर लो भाई, ठीक है. चलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द टोटल एज ऑफ अर्पित एंड अरविंद इज इक्वल टू, ठीक है, द पर्सन हु इज 25 ईयर ओल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, जो 25 ईयर ओल्ड है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, और द एल्डेस्ट पर्सन जिसका 45 है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं पढ़ता, ओके. ये कंडीशंस है हमारी. अब यहाँ पे हम सारे कंडीशंस को पुट करते हैं, हाँ सर, ठीक है. अतुल, अर्जुन, अरविंद, अमन, अर्पित और आशीष, ठीक है भाई, ये कंडीशंस थी हमारे पास, ओके. अरविंद के बारे में मेंशन है, इसका एज क्या होगा, 35, ओके. और ठीक है भाई, अर्जुन को क्या पसंद है, हिंदी, हिंदू, ठीक है.
अर्जुन 45 का नहीं होगा, तो यहाँ पे 45 नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अर्पित जो होगा वो 30 से अबव होगा, तो अर्पित के बारे में ध्यान दीजिएगा, अर्पित ठीक है 40-45 होना चाहिए, सॉरी ठीक है 40-45, तो हमने 40 रख लिया। अगर अर्पित को हमने 40 रख लिया, कंफर्म तो था नहीं ना, चेक करते हैं। अब अतुल और अमन के बारे में कहा जाए, तो अतुल और अमन यहाँ पे या तो 30 हो सकता है, या 45, या 45 हो सकता है, या 30, ठीक है। अर्पित का हमने 40 रख लिया क्योंकि ये 35 है, तो 40 हो गया। आशीष 20 का होगा नहीं, आशीष 20 का है नहीं, तो 20 यहाँ बच गया और 25 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, जो 25 का है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो 45 का है, ठीक है, तो 45 इन दोनों में से कोई हो सकता है, हम तो कंफर्म कर ही नहीं सकते। लेकिन अर्पित जो है वो 30 से अबव होगा, तो 40 हो गया। जल्दी से चेक करो, यहाँ देखिए जो 45 है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम हो नहीं सकता। अमन जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता, तो इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता, तो यहाँ तो 45 होगा नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, और यहाँ क्या आ जाएगा 45। सॉरी, अगर इकोनॉमिक्स टाइम यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे 40 हो सकता है, ठीक है चलिए। ट्वेंटी फाइव, चलो भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। क्योंकि 35 और 40 में जब यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अमन जो है वो इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता, जब इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ता तो यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ क्या हो गया 30, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो आपसे क्या कहा गया था कि अर्पित जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ता और क्या नहीं पढ़ता, इकोनॉमिक्स टाइम्स, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की कंडीशन यहाँ बन गई और हिंदुस्तान टाइम्स की कंडीशन यहाँ बच गई, और बचा कौन जरा देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, और ये हमारी कंडीशन बन गई, ध्यान दीजिएगा ये हमारी कंडीशंस बन गई, ठीक है। चेक करो अभिजीत, आई थिंक यही बना होगा आपका, चेक कीजिए, आई थिंक यही बन रहा होगा आपका, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो है नहीं। चलिए ठीक है भाई, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन था, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और इसके बेस पे आंसर चेक करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अभिजीत, और इस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी से चेक कर लो। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर लिविंग इन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंट होगा,
ठीक है, फ्लोर ऑन सेम बिल्डिंग, ठीक है, इच फ्लोर कंटेन ओनली वन फ्लैट एंड लोअर मोस्ट फ्लैट इज नंबर वन, ओके, यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर, कितने परसेंट थे, थ्री थ्री सिक्स सेवन, फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन थे। अब आते हैं हम आगे, ठीक है, विच इज इमीडिएटली अबव, ठीक है, चलो यही बताया गया, एच फ्लैट हैज बाउट बाय फर्स्ट ऑनर ऑन डिफरेंस डे, अच्छा डिफरेंट डेज सेम वीक मंडे टू संडे, ओके मंडे टू संडे, यानी मंडे टू संडे में यहाँ पे, ठीक है, द फर्स्ट द टॉप मोस्ट फ्लैट वर बाउट ऑन फ्राइडे, किस दिन, फ्राइडे को, ये चीज़ें फिक्स्ड हो गई, बट वो क्यू और एल नहीं है, वो क्यू और एल नहीं है, ठीक है, यानी सेवन्थ जो है होगा वो फ्राइडे पे होगा और उसे क्यू नहीं परचेज करता और एल परचेज नहीं करता, ठीक है भाई, ओ जो है वो फ्लैट नंबर थ्री, और ये या तो सैटरडे होगा या वेंसडे होगा, ओनली टू फ्लैट्स देयर बिटवीन द विच वाज अबाउट थर्सडे एंड यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कि ओनली टू पर्सन फ्लैट बिटवीन एंड एम, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती नजर आ रही है मुझे, यहाँ देखिए आपसे कहा गया ओनली टू फ्लैट बिटवीन थर्सडे एंड ओ होगा यहाँ पे, एंड ओ, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ओ का फ्लैट, ठीक है, यहाँ पे ओ का होगा, यानी थर्सडे और ओ के बीच में कितने का होगा, टू फ्लैट का डिफरेंस होगा, ठीक है, एम लीव एन ऑड नंबर बट नॉट एनी फ्लोर बिलो ओ, ओ का क्या था थ्री, ओ का क्या था थ्री, थ्री से अबव क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, फाइव और सेवन, यही दो कंडीशन बच गई, फाइव और सेवन, एम ऑड नंबर पे होगा लेकिन ओ के नीचे नहीं होगा, तो थर्ड के तो नीचे हो नहीं सकता, या तो फाइव बचा या सेवन बचा, यही दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है भाई, अगले हम क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है, हाँ मिसिंग है, मैंने वो करेक्ट है, वहां पे ओ होगा, एक बार एल बाउट हिज फ्लैट ऑन संडे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गिवन है एल जो है वो संडे को परचेस करता है, ठीक है, द लोएस्ट मोस्ट फ्लैट फ्लैट नंबर वन वाज ट्यूजडे, तो यहाँ पे हम मेंशन ही कर देते हैं ये क्या होगा भाई, ट्यूजडे होगा, ये फिक्स्ड है, एन इज इमीडिएटली अबव पी, एन जो है वो जस्ट पी के ऊपर है, तो ये एक साथ बैठेंगे, द फ्लैट विच हैज अबाउट मंडे, जो मंडे को परचेज है टू फ्लोर एवव वेंसडे, तो टू फ्लोर एवव मतलब इसके बीच में एक दिन का गैप होगा, ठीक है, आर लीव थ्री फ्लोर एवव, आर और एल के बीच में थ्री, तो वन टू का गैप होगा, निदर एन और पी लीव एनी, यानी यहाँ पे एन नहीं आ सकता और पी नहीं आ सकता इनके बीच में, ये आपसे कंडीशन कहा गया, तो भाई यहाँ पे क्यू एल की पर कंडीशन ओ जो होगा फ्लैट नंबर थ्री में होगा, और कंडीशन है या तो ये सैटरडे हो सकता है या ये वेंसडे हो सकता है, थर्सडे और ओ के बीच में दो ऊपर जाएंगे, वन टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्सडे, ठीक है भाई, एल क्या होगा संडे, तो बचा क्या, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये नहीं पे से कहीं हो सकता है, आर एल के बीच में दो होंगे,
तो मान लीजिए एल को यहाँ रखे तो वन और टू, आर की प्लेस यहाँ होगी, ठीक है, आर की प्लेस यहाँ होगी, और एन और पी मंडे और वेंसडे के बीच में, तो अगर वेंसडे को यहाँ रखेंगे तो मंडे यहाँ आएगा, और अगर वेंसडे को यहाँ रखेंगे तो मंडे यहाँ आएगा, वेंसडे यहाँ नहीं रख सकते। ये दो कंडीशन हमारी बन रही है, एल तो संडे होगा ये कंफर्म है, चलो ठीक है भाई चेक करते हैं थर्सडे। एम के बारे में फाइव या सेवन पे, तो अगर हम एम को यहाँ रख ले, एक कंडीशन हमें माना, अगर एम को यहाँ रख लें तो एल की प्लेस यहाँ आएगी, और एल की प्लेस अगर यहाँ रखा जाए, एल की प्लेस अगर हम यहाँ रखते हैं तो ध्यान देने वाली बात होगी, ये क्या हो जाएगा संडे। अगर यहाँ संडे आ गया तो हम यहाँ पे दो कंडीशन बना सकते हैं ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, यहाँ फ्राइडे फिक्स था हमारा, यहाँ क्या आ गया थर्सडे, थ्री पे क्या था भाई ओ, जो कि सैटरडे या वेंसडे था। अगर हम वेंसडे को मान लो यहाँ पर रख ले, इसे कट कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मंडे, तो एल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे ध्यान देना संडे, तो एम कहाँ आ जाएगा ऑड नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्यूसडे, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। जब L यहाँ पे है तो L और R के बीच में दो, तो वन टू यहाँ पे R आएगा, तो M और N की तो कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो हमारी बनी नहीं सकती कि N और P जो हैं एक दूसरे, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अगर हम यहाँ रखें तो N और P को हम ऊपर रख सकते हैं क्या, L को यहाँ रखेंगे तो L तो यहाँ हो नहीं सकता भाई, L को यहाँ रखेंगे तो वन टू R यहाँ पे आएगा, तो N और P की कंडीशन हो ही नहीं सकती, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं N को गलत ले रहे हैं, तो वहां पे सैटरडे और संडे की कंडीशंस को हमें पहले फिक्स करना होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे वेंसडे रख लें, तो यहां क्या आ जाएगा भाई वेंसडे मंडे, ठीक है, आर को ऊपर रखा जाए तो वन टू यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, जो कि क्या आ जाएगा संडे, और यहाँ आ जाएगा एन और पी, यहाँ क्या आ जाएगा एन और पी, यहाँ क्या आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। अब क्या बोला गया, क्यू के बारे में कुछ कहा गया था, क्यू जो है आर पे नहीं आ सकता, एल नहीं आ सकता, मंडे और वेंसडे एन और पी की कंडीशन फिक्स्ड हो गई, क्यू और एम को, तो एम क्या होगा ऑड नंबर पे, और यहाँ क्या आ गया क्यू, ये हमारी कंडीशन बनी, चेक करो भाई हमारी कंडीशन क्या बनी, ये बनी। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं, चेक कीजिए, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं सबको, चेक करो भाई सबको क्लियर है। ठीक है, किसी को क्लियर है तो जल्दी से बताओ, कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए क्या आएगा आपका आंसर। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और इसके बेस पे बताओ, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कहा गया, ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स रॉबिन राहुल सुरेश शंभू वार वेंट टू ए रेस्टोरेंट, ओके ये लोग रेस्टोरेंट में गए, इच ऑफ देम ऑर्डर फॉर फोर डिफरेंट डिशेज, ठीक है, बिरयानी फ्राइड राइस तंदूरी चिकन एंड मुगलई, ठीक है, सेम ऑर्डर पे नहीं है ये सारी चीज़ें। आफ्टर ईटिंग द फूड दे ऑर्डर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेवरेज लाइक स्प्राइट पेप्सी माजा एंड थम्सअप, टू ऑफ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, वन आर्ट्स एंड वन कॉमर्स, टू ऑफ बिलोंग्स टू पंजाब वाइल वन बिलोंग्स टू झारखंड एंड असम। अब ये कंडीशंस गिवन है, ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ये सब सर प्री या मेंस के लेवल का, ये मिडिल का है, प्री से थोड़ा सा ऊपर है और मेंस से नीचे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम को पहले फिक्स करते हैं, क्या करेंगे, नेम को फिक्स करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डिसेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिबेज, आगे क्या होगा भाई, सिटी। संदीप घोष, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो, ठीक है, ये आपका सिटी हो गया। और नेक्स्ट जो आपका आएगा वो बैकग्राउंड, ठीक है भाई। नाम को हम फिक्स कर लेते हैं, रॉबिन, राहुल, सुरेश, ओके, बढ़िया संदीप, और शंभू, ठीक है भाई, ये हमारे साथ। अब हम कंडीशंस को पढ़ते हैं और उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक राहुल डिड नॉट, पहले सारे कंडीशंस को हम चेक कर लेते हैं, फिर दो मिनट में क्वेश्चन में, राहुल को स्प्राइट नहीं पसंद, ठीक है भाई, रॉबिन, ठीक है, रॉबिन की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, रॉबिन की बात कर रहा हूँ हम, तो रॉबिन के बारे में आपसे क्या कहा, ऑर्डर मुगलई, बट ही डिड नॉट पेप्सी और माजा, ठीक है भाई, ये कंडीशंस हमारे सामने के बने। द बॉय फ्रॉम झारखंड, जो बंदा झारखंड से, और क्या ऑर्डर करता है, स्प्राइट, एंड ऑल्सो ही वन, ही अमोंग द, ये किस बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से, ये चीजें आपसे कहा, ये किस बैकग्राउंड से है, हमारा साइंस बैकग्राउंड से। अब देखिए आगे आपसे क्या कहा गया, फ्राइड राइस इज नॉट ईटन बाय पंजाबी बॉयज, जो पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, वो फ्राइड राइस नहीं खाता, ठीक है भाई। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला गया, जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो क्या करता है, तंदूरी चिकन, और ऑर्डर क्या करता है, माजा, ठीक है भाई, ऑर्डर क्या करता है, माजा। डेट वॉज नॉट राहुल, यानी ये राहुल तो नहीं होगा भाई। थम्सअप टेकन बाय आर्ट स्टूडेंट, अब सुरेश के बारे में कहा गया, सुरेश ऑर्डर बिरयानी, और ये पंजाब से नहीं है, ठीक है भाई, ये कंडीशन है। अब चेक करते हैं, राहुल के बारे में कहा गया तो इसको क्या पसंद नहीं है, स्प्राइट पसंद नहीं है। रॉबिन क्या ऑर्डर करता है, ध्यान दीजिएगा, रॉबिन के बारे में गिवन है मुगलई, ठीक है, और इसको पेप्सी और माजा पसंद नहीं है, ठीक है भाई। अब एक चीज का देखिए, जो कॉमर्स स्टूडेंट है बैकग्राउंड से है, तंदूरी चिकन और माजा, तो यहां हो नहीं सकता भाई, तंदूरी चिकन, यहां पे क्या होगा, माजा, और ये कॉमर्स बैकग्राउंड, ये हो सकता है, झारखंड स्प्राइट, तो ये स्प्राइट हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए ये राहुल है नहीं, राहुल नहीं है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे क्या होगा भाई, तंदूरी चिकन, ठीक है, ब्रेवेज में क्या हो जाएगा, माजा, ठीक है भाई, और ये कहाँ से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से है ना, हाँ ठीक है भाई, तो ये वाली कंडीशन हमने फिक्स कर दी। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पंजाब से है नहीं, तो यहाँ पे बचा कौन है, तो देखो तंदूरी चिकन, फ्राइड राइस, अब ये फ्राइड राइस हो गया, तो फ्राइड राइस के बारे में कहा था कि यहाँ पे पंजाब हो नहीं सकता,
तो पंजाब से देखो कितने बंदे थे वो चेक कर लेते हैं, टू ऑफ पंजाब, तो पंजाब की कंडीशन हमारी कंफर्म होगी। पंजाब कहाँ से आएगा, यहाँ पंजाब यहाँ पे आएगा और पंजाब यहाँ आएगा भाई, क्लियर है। चलिए आगे कुछ कहा था, जो झारखंड से है वो स्प्राइट, तो स्प्राइट यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना, लेकिन वो झारखंड, तो स्प्राइट तो यहाँ होगा नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, स्प्राइट कहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे झारखंड होना चाहिए, तो स्प्राइट कहाँ होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया हमारा, देखो क्या बचा है भाई, थम्स अप, अब थम्स अप के जो है वो आर्ट्स है, ठीक है भाई, तो यहां क्या बच गया, पंजाब के बाद असम। अब देखो यहाँ पे साइंस वाला था ना, एक साइंस था, देखो हाँ झारखंड से है जो साइंस, अब साइंस है तो बचा कौन, ज़रा ध्यान देना, टू ऑफ साइंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंस, और ये हमारी कंडीशन बनेगी, चेक कीजिए, ये हमारी कंडीशन बनेगी। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं सबको, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए यहाँ बर्थडे पार्टी की बात किया, ओके चलिए, यहाँ पे आपसे बर्थडे पार्टी की बात किया गया था, ठीक है, अर्पना, बॉबी, चिंकू, डिंपल, अरमान, फराज, गौतम एंड हर्ष रिसीव सम रिटर्न गिफ्ट, चॉकलेट, टॉय, फ्रूट्स, बुक्स, बैलून, जूस एंड पेस्ट्री, ठीक है भाई, वन ऑफ देम रिसीव नथिंग, एक जो है कुछ भी नहीं रिसीव किया, ठीक है, द गिफ्ट वेयर स्टैक्ड इन बॉक्स, ओके, डैट वाज नंबर 1 to 8, टॉप टू बॉटम, फॉर बॉटम टू टॉप, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है भाई, वन बॉक्स वाज एम्प्टी, जिसमें से एक खाली है। चलिए भाई आप कंडीशंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। बैलून के बारे में कहा गया, केप्ट टू बॉक्स अबव एम्प्टी बॉक्स, और गौरव गौतम, ठीक है, अपर्णा चूज द बॉक्स नंबर डेट वॉज मल्टीपल ऑफ गौतम बॉक्स, गौतम, ठीक है भाई, अर्पना डिड नॉट चूज बुक्स गौतम, ध्यान दीजिएगा, अर्पना डिड नॉट चूज बुक्स गौतम एंड पिक्ड बुक्स ऑफ द कॉन्टेंट, अब ध्यान दीजिएगा, अर्पण डिड नॉट चूज बुक्स, ओके, अर्पण के बारे में इसको बुक्स क्या है नहीं चूज कर रही है, ठीक है भाई, गौतम और बॉबी कंटिन्यूस है, ठीक है, या तो इस तरह से बनेगा या पहले बॉबी आएगा और पहले गौतम होगा, ठीक है, ये कंडीशंस बन गई। देयर वाज ए 3 gap बिटवीन 1 picked बाय फराज एंड पेस्ट्री, ओके, फराज और पेस्ट्री के बीच में 3 है, बुक्स और चॉकलेट वेर नॉट पिक्ड अप कंटिन्यूस,
जाने या बुक्स और चॉकलेट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है भाई। देर आर थ्री बॉक्स बिटवीन वन डिम्पल एंड इम्पिटी, ठीक है। कितने? थ्री। टॉय वेयर पिक्ड इम्पिटी आफ्टर, अच्छा इसके तुरंत बाद क्या होगा टॉय। हर्स पिक्ड जूस, पिक जूस, चीकू डेड नॉट टॉय, ओके। अब चेक करते हैं भाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर है, ओके। चलो भाई चेक करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये चीज़ें हमें चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है, ठीक है, हमें मेंशन नहीं है कि हम किस प्लेस से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ देखो बैलून इज केप्ट टू बॉक्स एवव, यहाँ पे कहा गया अर्पन चूज द बॉक्स दैट वाज मल्टीपल ऑफ गौतम, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गौतम वन, वन का डबल टू तो हो नहीं सकता, टू का डबल फोर हो सकता भाई, ठीक है। देर आर थ्री बॉक्स पेस्ट्री नॉट मोर देन टू बॉक्सेस, अब देखो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है ना, नॉट मोर देन टू, दो से ज़्यादा नहीं होंगे ऊपर, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ कौन आएगा भाई, फराज, यहाँ पे यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, जो नॉट मोर देन टू पर्सन बिफोर फराज, तो दो से ज़्यादा नहीं होगा तो दो तो होगा, एक कंडीशन हम यहाँ मारी, एक एट पे भी हो सकता है, हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। फराज के बारे में और कुछ कहा था, चेक कर लो भाई। देर आर थ्री बॉक्स बिटवीन फराज एंड पेस्ट्री, फराज यहाँ पे तो वन टू थ्री, यहाँ क्या आएगा भाई, पेस्ट्री, ठीक है, ये चीजें क्लियर। बुक्स और चॉकलेट क्या होंगे, कंटेनर्स नहीं होंगे। देर वेयर थ्री बॉक्स बिटवीन डिम्पल एंड इम्पिटी, ठीक है, हर्स चूस को। अब चेक करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे देखिए वन पे आ नहीं सकता, टू पे रखकर चेक करते हैं खाली वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टॉय। अब कहा गया इम्पिटी और इसके बीच में एक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, गौतम, और यहाँ क्या आ जाएगा बैलून। अगर बैलून यहाँ पे तो एट पे कौन आ जाएगा भाई, अर्पण, अपर्णा, सॉरी अपर्णा, जिसको बुक्स नहीं पसंद, ठीक भाई, जिसको बुक्स नहीं पसंद है। अब ध्यान दीजिएगा एम्पिटी और थ्री, वन टू थ्री, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डिम्पल, ठीक है भाई, ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि गौतम और कौन था भाई, गौतम और बॉबी पिक्ड अप बॉक्स इन कंटिन्यूस, अब तो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ये तो चीज़ें हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे हर्ष को जूस पसंद है, तो जूस वाला केस तो यहाँ पे हर्ष आएगा ना, जब हर्ष यहाँ पे आ गया तो जूस की कंडीशन यहाँ हो गई, तो यहाँ कौन बच गया, बॉबी। अब एक ही पर्सन बचा है जरा वो चेक कर लो, चीकू को ट्वाई पसंद नहीं है, तो यहाँ कौन आएगा, चीकू। अब एक पर्सन बच गया इमरान, ठीक है भाई। अब देखिए बुक्स इसको पसंद नहीं है, तो आप कहा गया था बुक्स और चॉकलेट एक साथ नहीं हो सकता, तो ये दोनों प्लेस पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर बुक्स यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखो फ्रूट्स के बारे में कुछ कहा गया था, एक गैप होगा, तो यहाँ क्या बचा, फ्रूट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चॉकलेट, और यहाँ क्या आ जाएगा, बुक्स, और ये हमारी कंडीशंस बन जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, ओके। हम अगली क्लास में मिलेंगे नए टाइप के क्वेश्चन के साथ, ओके, थैंक यू।